नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। इस बार रामनवमी बेहद खास होने वाली है। अयोध्या में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसको देखते हुए 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक श्रीराम जन्मभूमि मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। श्रद्धालु रामलला के दर्शन 24 घंटे कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 18 अप्रैल को श्रीराम मंदिर को 24 घंटे खोलने पर विचार किया जाएगा। इस रामनवमी को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। लंबे इंतजार और संघर्षों के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो राम भक्तों की श्रद्धा साफ देखी जा सकती है। लगभग 2 लाख भक्त औसतन रोज दर्शन कर रहे हैं। कभी कभी यह संख्या 4 से 5 लाख तक पहुंच जाती है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम दिनों में जब इतने श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं तो रामनवमी में कितनी बड़ी संख्या राम भक्तों की होगी जो अयोध्या पहुंचेंगे। रामनवमी को लेकर अयोध्या पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। उन्होंने प्रॉपर इसके लिए प्लान भी बना लिया है। प्लान की समीक्षा करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र अयोध्या पहुंचे और तैयारी को लेकर स्थानीय अफसरों के तैयार प्लान पर मंथन किया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निरीक्षण कर बाकायदा व्यवस्थागत बदलाव को देखा गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बातचीत में 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक यानी रामनवमी के पहले सप्तमी अष्टमी नवमी को 24 घंटे श्रीराम मंदिर खोलने पर सहमति बनी, जिससे अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकें। 3 दिन श्रीराम मंदिर 24 घंटे खुलेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो रामनवमी के अगले दिन 18 अप्रैल को भी श्रीराम मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि रामनवमी को लेकर बैठक की गई। हमने श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए व्यापक तैयारी की है। कहां कहां ट्रैफिक डायवर्जन होगा इसकी जानकारी लोगों को दे दी जाएगी। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में हमने लोगों के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामनवमी के दिन 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा और अधिक से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। रामनवमी के पहले राम मंदिर से लेकर सुग्रीव किला तक बैरिकेडिंग की जाएगी रहेगी, उसके दृष्टिगत क्या तैयारी होगी हनुमानगढ़ी पे, राम मंदिर पे? और इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यापक व्यवस्था की है और इसकी समीक्षा हुई और इसके संदर्भ में क्या क्या रणनीति अपनाई गई है और कहाँ कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होगा उसका डिटेल हम लोगों ने रेखांकित किया है उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रामनवमी के 3 दिन पहले हम लोग 24/7 मंदिर को राम मंदिर में दर्शन पूजन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन पूजन कर सकें। तो इसी दृष्टिगत सब विचार हुआ है और जो बैरिकेडिंग लग रही है उसको हम लोगों ने एक समयबद्ध रूप से पूरा रामनवमी के पहले बैरिकेडिंग राम मंदिर के से लेकर आपका सुग्रीव किला तक का बैरिकेडिंग की व्यवस्था होगी, इसकी व्यापक व्यवस्था होगी, सेफ की व्यवस्था होगी और पानी की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। तो ये व्यवस्थाएँ की जाएगी, इसके संदर्भ में बात हुई है और इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और जो बाकी रूट डाइवर्जन किस तरीके से किए जाएंगे रामनवमी में और पूरे एक दृष्टि रखी जाएगी कितने श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं और कितने लोगों का दर्शन की क्षमता यहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की भी रणनीति तैयार करेंगे। कितने लोग? 10 से 15 लाख भी कर रहे हैं, लेकिन ये फिगर जो एक्चुअल फिगर है वो बाद में ही पता चल पाएगी रामनवमी के बाद। लेकिन हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि ये मंदिर हम 24/7 खोलें, केवल भोग के समय जो बंद रहेगा बट उसके अलावा आरती के समय भी खुला रहेगा और 24/7 होगा, तो उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन कर पाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली रामनवमी को लेकर विशेष उत्साह है। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इससे पहले दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन, ठहरने, पेयजल, मेडिकल सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।